सर एक छोटा सा सवाल है सर, एनटीपीसी एग्जाम को लेकर थोड़ा सा जो है आपको ब्रीफ कर दिए कि आपने 15 दिसंबर बोला है कि एग्जाम शुरू होगा, दूसरा एएलपी की ज्वाइनिंग कब से शुरू होगी? दो चीजें हैं सर, एक तो एनटीपीसी एग्जाम को लेकर कब से एग्जाम जो है आप लोग प्लान कर रहे हो, क्योंकि उसको लेकर तमाम क्वेरीज आ रही हैं, और दूसरा एएलपी की ज्वाइनिंग जो है बहुत दिनों से लटकी हुई है, उसको क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आपके जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सही बात है कि ये एग्जाम पहले होना चाहिए था, लेकिन आप इस बात को एग्री करेंगे कि जो इस समय कोरोना की सिचुएशन है और 2,42,00,000 लोगों का एग्जाम लेना है, और आपको पता है कि जब ये एग्जाम होता है तो कैसे लोग ट्रेवल करते हैं और क्या करते हैं, और पूरी कोशिश करते हुए भी, और ये एक महामारी जो आई है ये बिल्कुल सबके लिए प्रॉब्लम है, तो इस महामारी की वजह से ये समस्या हुई है, और ये जब थोड़ा सा हमने देखा कि कुछ नीट का एग्जाम हो रहा है, जेई का एग्जाम हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस हमको मिल रहे हैं, हम इसको कंटिन्यूअसली एसेस कर रहे थे और उसकी स्क्रूटनी हमने कंप्लीट करके रखी हुई है, और इसको हम बिल्कुल इसमें ये करने वाले हैं। आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा एएलपी का, एएलपी एक ऐसा ग्रेड है कि आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि अगर हमने उनको किसी एएलपी को आज ज्वाइन करा लिया तो उसका एक सर्टेन ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो जो एक जो भी कोई कैंडिडेट है वो पहले दिन से लोको नहीं चला सकता है, उसको पहले पूरा क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, सिमुलेटर पर ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसको फील्ड में लेके जाते हैं, पूरा एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो अगर इस समय हमें ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही थी, अच्छा ये एएलपी की ऐसी ट्रेनिंग है जिसको कि हम ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, कि डिजिटल कैप्सूल ट्रेनिंग दे दिया वो नहीं दे सकते हैं, उसको ले जाके लोको सेट में लोको दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, और इस समय हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे ही हम ट्रेनिंग देने की स्थिति में आएंगे हम इसको एएलपी को ज्वाइन कराएंगे, और आपके माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग, जिसका सिलेक्शन हो गया है उसको एएलपी में बिल्कुल हम ज्वाइन कराएंगे, और हमारा पूरा प्रयास है कि जैसे ही हम इस पोजीशन में, क्योंकि हम ज्वाइन करा के और उनको कहाँ, उनको अगर हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं तो उनको हम कहाँ यूज करेंगे, और उनके लिए भी समस्या होगी, अभी तो अपने सुरक्षित घर पे हैं, वो हमारे यहाँ आएंगे उनको हम ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, और ये कोरोना की सिचुएशन है, तो ये एक जो ग्लोबल पैंडेमिक की सिचुएशन है इसमें समस्या है, बट उस समस्या का निदान हम निकाल रहे हैं, और जैसे ही हमारे लिए ये संभव होगा कि हम उनकी ट्रेनिंग करा पाए हम एएलपी को ज्वाइन कराएंगे, और आपके माध्यम से हम सबको सारे कैंडिडेट्स को बता रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें, और बिल्कुल जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन इम्प्रूव होती है हम उसको आपको ज्वाइन करा के आपकी ट्रेनिंग शुरू करा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनोद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सहारा। ऑलरेडी उनके प्रश्न सर आंसर कर दिया आपने कि आप कितनी ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं।